सो गाइस 7,99,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे थर्ड जनरेशन न्यू मॉडल होंडा एमेज का लॉन्चिंग हो चुका है, जो कि आप हमारे सामने इसका ब्लू कलर देख पाओगे। सबसे टॉप मॉडल है जेड एक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का डिटेल्ड ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ, क्या कुछ प्राइस पड़ जाता है, इंटीरियर कितने अच्छे दिए गए, एक्सटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स दिया गया है, क्योंकि पुराने वाले जो होंडा एमेज आते थे उससे और इसमें बहुत सारा कुछ बदल के आने वाला है। और फर्स्ट इन द सेगमेंट में इस गाड़ी में जो फीचर्स है वो भी एड ऑन कर दिया गया है। तो हर एक कुछ के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट डिज़ाइन देख पाओगे, बहुत ही ज़्यादा आपको बॉक्सी शेप में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो विड्थ है जो कि पहले से आपको 38 mm बढ़ा दिया गया है। अभी फिलहाल इसका जो विड्थ है जो कि आपको 1733 mm का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप बीचों बीच देख सकते हो जो कि आपको होंडा का लोगो मिल जाता है, क्रोम के साथ दिया गया है। टोटली आपको यहाँ पे बड़े साइज में आपको यहाँ पे क्रोम के पट्टी भी देखने को मिल जाते हैं। और ये जो आप ग्रिल देख रहे हो जो कि आपको कुछ सिमिलर होंडा एलिवेट के जैसा देखने को मिलेगा, हनी कॉम डिज़ाइन में आपको यहाँ पे ग्रिल दिया गया है। टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर के आपको यहाँ पे यूज़ मिल जाएंगे। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ऑल न्यू डिज़ाइन में आपको हेडलाइट सेक्शन मिल जाता है। सबसे ऊपर में देखो आपको यहाँ पे DRL लाइट भी मिलेंगे और यही आपका इंडिकेटर की तरह काम करने वाली है। नीचे में आपको यहाँ पे दो पीस लाइट मिलता है, एक तो आपको लो बीम और आपको हाई बीम प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगा। फुली LED के आपको सेटअप मिलेंगे और नीचे वाला ये आप फॉगलैम्प का हाउसिंग देख सकते हो, इसे भी टोटली चेंज कर दिया गया, ये भी आपको प्रोजेक्टर में दिया गया, आपको LED के साथ मिल जाएगा। सबसे ऊपर में देखो जो कि फर्स्ट इन द सेगमेंट में इस गाड़ी में आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको कैमरा बेस्ड सेंसर आपको यहाँ पे लगाया गया है। साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो साइड प्रोफाइल भी कुछ आपको होंडा सिटी के जैसा ही देखने को मिलता है। और ये जो आप एलॉय व्हील देख रहे हो ये भी आपको होंडा के जो अदर गाड़ी आते हैं उसी के जैसा आपको सिमिलर मिलेगा। मल्टी स्पोक व्हील आपको यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको डायमंड कट के साथ देखने को मिल जाएगा। बीचों बीच आपको होंडा का लोगो दिया गया है। फ्रंट में डिस्क मिलेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। और जो टायर का साइज़ है 185/60R15 के साथ इसमें आपको एलॉय व्हील देखने को मिलता है। इधर आप देखो इसका ORVM का सेक्शन, जिसे कि आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर पाओगे और इसे आप एडजस्ट भी कर पाओगे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा और इस जगह पे आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हो जहाँ कि आपको लेन वॉच कैमरा भी लगाया गया है, जो कि आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में मिलता है। भले इस गाड़ी में आपको 360° कैमरा नहीं मिलता है, बट सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैमरा लगाया गया है, जो कि आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी साइड का जो व्यू है वो आपको वहाँ पे दिखाने वाला है। बी पिलर देखो जो कि आपको टोटली ब्लैक कलर में मिलेंगे। डोर हैंडल देख सकते हो जो कि आपको क्रोम के साथ मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है, जो कि आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड मिल जाएगा। और इसका एक अच्छा फीचर ये है कि चाबी को आप जैसे ही इसके नज़दीक लेके आओगे ये आपको गाड़ी अनलॉक हो जाएगा, दूर जाओगे तो ये आपका लॉक हो जाएगा। ऊपर में देखो डिज़ायर में तो आपको यहाँ पे सनरूफ मिलता है, बट इसमें आपको कोई भी सनरूफ नहीं दिए गए हैं। पीछे में आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो जहाँ की आपको 37 लीटर के आपको टैंक कैपेसिटी भी मिलता है। गाइस गाड़ी के आप टोटली रियर प्रोफाइल की ओर आओगे तो रियर प्रोफाइल आपको हल्का होंडा सिटी के जैसा ही देखने को मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ पे टेल लाइट का असेंबली देख सकते हो, ये आपको सेम होंडा सिटी वाला ही दिया गया जो कि आपको स्प्लिट में मिलेंगे। यहाँ पे आपको तीन पीस स्टॉप लैंप दिया गया, फुली LED में मिल जाता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जो रिवर्स लैंप है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। IVTEC का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाता है और इस साइड देखो जहाँ कि आपको MAZ का ब्रांडिंग किया गया है। बीचों बीच आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा और पीछे में आपको यहाँ पे कैमरे भी दिए गए हैं। पीछे में आपको दो ही पार्किंग सेंसर मिलता है और सबसे नीचे देखोगे जहाँ कि आपको दो रेड कलर के रिफ्लेक्टर भी मिलेंगे। और ये जो आप स्पॉइलर देख सकते हो जो कि इसमें बॉडी में ही आपको टोटली माउंट मिलता है, सेम आपको डिज़ायर के जैसा ही देखने को मिल जाएगा। ऊपर में देखो यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, इस जगह पे आपको डिफॉगर दिया गया है और सबसे ऊपर फिर से आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है। बूट स्पेस को मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे एक तो आपको मैग्नेटिक बटन दिया गया है, इसे आप जैसे ही दबाओगे इसका बूट ओपन ईजिली हो जाता है। और सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर में देखोगे जो कि आपको यहाँ पे खुला नहीं रखा गया है, प्रॉपर आपको यहाँ पे कवर किया गया है जिससे अच्छा डिज़ाइन आपको पीछे से भी मिल सके। और जो बूट स्पेस इसमें मिलता है पहले आपको 420 लीटर के मिलते थे, बट अभी देखोगे जो कि आपको 4 लीटर कम कर दिया गया है, मतलब कि अभी आपको 416 लीटर के यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाएंगे। अच्छा खासा आपको डिप दिया गया है। पीछे में आपको यहाँ पे बूट के लिए एक आपको यहाँ पे लाइट भी मिल जाता है, टूल किट आपको यहाँ पे दिया गया और जो स्पेयर व्हील मिलता है जो कि आपको स्टील रिम के साथ दिया गया, आपको 14 इंच के साथ देखने को मिल जाएगा। और गाइज अभी आप देख सकते हो जो कि मैं इसके पीछे वाले सीट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको स्पेस चेकआउट कराऊँ तो सबसे पहले ये जो दोनों सीट है वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ। लेगरूम देख लो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा मिलता है, थाई सपोर्ट भी आपको सफिशिएंट दिए गए और जो हेडरूम दिया गया मेरे हिसाब से जो हाइट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर आपका हाइट 6 फीट भी है तो भी आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, ऐसे आपको यहाँ पे 3 आदमी को भी बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बीचों बीच देखो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिए गए, 2 कप होल्डर दिया गया, बट यहाँ पे देखो कि आपको कोई भी बेल्ट नहीं दिया गया जिस वजह से इसे निकालने में शायद आपको हल्का सा प्रॉब्लम आ सकता है।
तीन सीट बेल्ट दिए गए हैं जो कि आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट के साथ दिया गया है, और जो सीट मिलता है टोटली आपको फैब्रिक के साथ ही दिया गया है। कुशन आपको अच्छा मिलेगा, कुछ टेक्सचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और पीछे जो तीनों ही हेडरेस्ट दिया गया है जो कि आपको टोटली फिक्स मिलता है, कोई भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल फंक्शन नहीं दिया गया है। इधर आप देखो दोनों ही साइड आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और पीछे केबिन में आपको एक हेलोजन बल्ब का लाइट आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं। को ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, ड्राइवर साइड आपको कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं दिया गया है। पहले आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट नहीं मिलते थे, बट अभी आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट मिलना स्टार्ट हो गया है, जिसका कि आप ब्लोअर आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और सबसे नीचे देखो जहाँ कि आपको 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे चार्जिंग का आपको यहाँ पे आउटलेट भी दिया गया है। गाइस ड्राइवर सीट पे चलूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसका डोर ट्रिम देख पाओगे, वही आपको डुअल टोन कलर में मिलेगा। यहाँ पे आप देखो जो कि आपको बेज कलर दिए गए, और इधर आपको टोटली ब्लैक कलर है। इनसाइड डोर हैंडल आपको साटन फिनिश के साथ मिल जाएगा। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए जो कि आपको ऑटो अप और ऑटो डाउन फंक्शन के साथ दिया गया है। इधर आप देखो जो कि आपको लॉक अनलॉक करने के लिए ORBM का जो भी कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिल जाएगा। ये जो पार्ट है जो कि आपको टोटली सॉफ्ट टच में दिया गया, आपको फैब्रिक के यूज़ मिलेंगे। नीचे में आपको यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको चार स्पीकर के सेट मिलेंगे और दो ट्विटर आपको यहाँ पे दिया गया है। इधर देख लो जहाँ कि आपको यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल मिल जाता है, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हेडलाइट का जो लेवलर वो आप यहाँ से कर पाओगे, और इस जगह पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन भी दिए गए हैं। सबसे नीचे आ सकते हो जहाँ कि आपको फ्यूल लीड को खोलने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा, हुड को खोलने के लिए आपको वहाँ पे जगह दिया गया, और बूट आप यहाँ से भी खोल सकते हो। सीट आप देखो जो कि आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिलता है, रिक्लाइन करने के लिए भी दिया गया, और जो सीट मिलता है जो क्या वही आपको फैब्रिक में मिलेगा। और गाइज यहाँ से इस गाड़ी का आप डैशबोर्ड देख सकते हो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, आपको टोटली न्यू डैशबोर्ड दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो जहाँ कि आपको साटन फिनिश के यूज़ मिल जाते हैं, इधर भी आपको यहाँ बेज कलर के यूज़ मिल जाएंगे, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच तो नहीं दिया गया है। और इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, जिससे जो सेफ्टी रेटिंग है गाड़ी का वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। स्टेयरिंग देखो कोई भी आपको लेदर के यूज़ नहीं मिलते हैं, बीचों बीच आपको यहाँ पे होंडा का लोगो मिल जाएगा। हॉर्न आपको यहाँ पे दिए गए, इधर भी आपको साटन फिनिश दिया गया, और जो स्टेयरिंग मिलता है जो कि सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टेबल के साथ दिया गया है, कोई भी आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक के आपको एडजस्टेबिलिटी नहीं दिए गए। इधर आप देखो जहाँ कि आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा जो कि आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दिया गया, लेन असिस्ट दिया गया, साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रेकिंग का जो अलर्ट है वो भी आपको यहाँ पे शो करने वाला है। सेट रीसेट आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकोगे। इधर देखो जहाँ कि आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए दिया गया, मतलब कि आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल मिल जाएगा, MID के कंट्रोल आपको यहीं पर दिए गए, और नीचे में आपको टेलीफोनिक का कंट्रोल दिया गया है जहाँ कि आपको वॉइस कमांड भी मिलता है। इधर आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, और इधर आपको वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं, और जो इसमें आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है पहले आपको 7 इंच के मिलते थे, बट अभी देखो जो कि आपको फ्लोटिंग टाइप में आपको टच स्क्रीन में आपको 8 इंच का आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एंड्रॉयड एंड ऑटो कारप्ले आपको टोटली वायरलेस सपोर्ट करने वाली है, मोबाइल आप यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हो, साथ साथ आप यहाँ पे मैप भी इजीली चला पाओगे। इधर आपको कुछ फिजिकल्स बटन दिए गए, और यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा जिससे कि इसका जो MID है उसका जो ब्राइटनेस है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकोगे। यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स दिया गया है, यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाएंगे, बीचों बीच आपको हज़ार लाइट के पॉइंट दिए गए, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, फुल्ली ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे AC मिलेगा, कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। इधर आप टेम्परेचर कम ज़्यादा ईजिली कर सकोगे, ऑन ऑफ कर सकते हो, मैक्स कूल में भी डाल सकते हो, और रियर का और जो फ्रंट का डिफॉगर है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे। एयर सर्कुलेशन ऑन ऑफ करने के लिए भी जगह दिया गया है। सबसे नीचे आ जाओ जहाँ कि आपको वायरलेस चार्जर के आपको यहाँ पे पैड भी दिए गए, दोनों साइड देखो USB पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ से वायरलेस चार्जर को ऑन ऑफ कर सकते हो, और इधर देखो जहाँ कि आपको 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे आउटलेट भी दिया गया है। इस जगह पे आपको यहाँ पे दो कप होल्डर मिल जाते हैं, और यहीं पे आप इसका की देख सकते हो जो कि आपको दो रिमोट की मिलता है लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और इसे आप दबा के रखोगे तो इसका जो बूट है वो आपका ओपन हो जाएगा। छोटा सा आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है जो कि 5 गियर का, इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ओर आपको यहाँ पे लेदर के यूज मिलेंगे, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया गया, बट टॉप मॉडल होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं दिया गया है। इधर आप ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो आपको यहाँ पे भी डिसेंट स्पेस दिया गया है, कोई भी आपको कूलिंग सिस्टम नहीं दिया गया है, और कोई भी आपको लाइट भी नहीं मिलता है। को ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा, साथ साथ आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर भी दिया गया है, बीचों बीच में आपको यहाँ पे दो हेलोजन बल्ब की लाइट मिलेंगे, जो IRBM दिया गया जो कि आपको मैनुअली ही एडजस्टेबल दिया गया है। और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे भी वैनिटी मिरर मिलता है, कोई भी आपको यहाँ पे लाइट नहीं दिए गए हैं।
और गाइस MID आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपको फुली डिजिटल में दिया गया है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर मिल जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिया गया, डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगा और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं और उसे टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलता है। ये होम वाला बटन जब दबाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपको लो फ्यूल है वो शो कर जाएगा। कस्टमाइज कर सकते हो अपना डिस्प्ले को, वो मिल जाता है। साथ साथ ऊपर जाओगे जहाँ की आपको सेटिंग दिखाने वाला है, सेफ्टी का जो भी सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साथ साथ आपको सीट बेल्ट जो भी दिए गए वो आपको मिल जाएगा। जी मीटर दिया गया है, स्पीड एंड टाइम जो है वो आप देख सकते हो, रेंज क्या है वो आप यहाँ पे देख पाओगे और फ्यूल का जो भी लेवल है वो देख सकते हो। टैकोमीटर आपको यहाँ पे दिया गया है, इन्फॉर्मेशन देख पाओगे, वही फिर से आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक आपको माइलेज क्या देती है वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाली है। और गाइज यहाँ पे देखो जहाँ की आपको लैंड वॉच कैमरा देखने के लिए आपको यहाँ पे अलग सा बटन दिया गया है, इसे आप जैसे ही दबाओगे तो ये आप देख लो जो कि आपको लेफ्ट साइड का जो कैमरा है वो ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड का जो भी व्यू है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इसे मैं बंद करूँ और पीछे वाला मैं आपको कैमरा चेकआउट करके दिखाऊं तो ये आप यहाँ पे देखना आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ दिया गया है जो कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से अलग अलग जो व्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका टोटली नीचे का भी दिखाने वाला है। तो गाइज ये कुछ रहा गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर में जो जो फीचर्स थे वो सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इसके इंजन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि डिजायर की तरह आपको 3 सिलेंडर नहीं किया गया, अभी भी इसमें आपको 4 सिलेंडर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको रिफाइंड इंजन मिलेंगे, मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाता है और आपको IVTEC का आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। माइलेज अप्रोक्स आप देखोगे तो वही आपको 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर का ये गाड़ी आपको माइलेज भी देने वाली है। लगभग आपको 90 PS का पावर और आपको 114 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क भी देने वाली है। और इस गाड़ी में आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलेंगे, VX और सबसे टॉप ZX। ये आप ZX देख सकते हो जिसका कि आपको एक्स शोरूम प्राइस 9,69,900 रुपीज़ रखा गया है और जो सबसे बेस मॉडल है उसका एक्स शोरूम प्राइस 7,99,000 रखा गया है। ये मैं आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का बता रहा हूँ और सामने आपको यहाँ पे हर एक मॉडल का आपको प्राइस शो कर रहा होगा। तो मेरे गाइज इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल रूप में वो सब कुछ अच्छे से बता दिया है। कन्फ्यूजन होता है आपको सब कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ साथ आप मैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।